हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ ना कुछ, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ी लिया है वैसे तो, कि अपलोड कुछ और करने वाली थी वीडियो और मैंने कुछ और कर दिया है बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक। ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, उसकी वजह से आज ये हुआ है। और मेरी मिस्टेक की वजह से मैंने पूरी मेरी मेहनत पर पानी, जिसे कहते हैं ना, डाल दिया है। क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट मेरा बन चुका था, एडिटिंग हो चुका था, थंबनेल बन चुका था, फ़ोटो वोटो सब लगा दिए थे, सब कुछ हो गया था, सिर्फ और सिर्फ अपलोड करना रह गया था। और उसी चक्कर में, उसी टाइम में, मतलब जैसे ही मैंने उसको डाउनलोडिंग के लिए रखा वीडियो को, और वीडियो डाउनलोड ही ना हो, फिर देखा जब खोल के तो पता चला कि भाई उसमें से तो मेरे सारे फ़ोटो, सारे वीडियो, सब कुछ जा चुका था, तो वो फिर डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब वो फ़ोटोज़ और वीडियोस कैसे गए ना, वो मुझे भी नहीं पता है। अभी तक मैं वही सोच रही हूँ कि ये मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोस गए कैसे। या तो मेरा फ़ोन बच्चों के हाथ में आ चुका होगा, या तो कुछ और रीज़न से ये फ़ोटोज़ और वीडियोस गायब हुआ है। मतलब क्या हुआ ना, अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया जब मैं अपलोड कर रही थी मेरा वीडियो, और फिर जब मैंने वापस, जब वो ओपन हुआ, एक डेढ़ घंटे तक वो बंद ही रहा और हैंग हो चुका था जब बंद हुआ ना तभी। और फिर जब वो ओपन हुआ तब तक मेरे सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ गायब हो चुके थे। और फिर मेरा जब मैंने वीडियो अपलोडिंग पे रखा उसके बाद, तो वो अपलोड ही ना हो, बोले कि यू डोंट हैव एक्सेस ऑफ फाइल, ये वो, और वो अपलोड ना हो। फिर मैंने देखा तब मुझे पता चला कि उसमें से मेरे सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सब डिलीट हो चुका है, तो वो कैसे अपलोड होगा। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो गई इसमें, कि मैंने उसको कहीं और सेव नहीं किया था। ना ही मैंने लैपटॉप पे सेव किया था, ना ही मैंने मेरे हस्बैंड के फ़ोन में सेव किया था, ना ही मैंने किसी एक्स्ट्रा फ़ोन में सेव किया था। तो वो सारा डेटा था वो जा चुका था। तो वो जो मेरी 3-4-5 घंटे की, मतलब वीडियो शूट करने में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगता ही लगता है, और उसमें से कल मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी तो वो भी मेरा सब, उसमें भी मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। प्लस मैंने वीडियो एडिटिंग किए, फ़ोटोज़ डाले थे, वो सब मैं 3-4 घंटे चले गए थे। और फिर जब नहीं होता है ना तब इतना गुस्सा आता है ना, ऐसा लगता है कि अपना सर फोड़ लो, और कुछ तो अपन कर नहीं सकते, क्योंकि अब गलती तो मेरे से ही हुई थी कि मैंने कहीं बैकअप नहीं रखा था। तो फिर तो वो जब हो गया उसके बाद तो मैं बैठ गई फिर 10 मिनट, और बैठ के पहले रो लिया मैंने कि ये मेरे से क्या हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी मुझे रोना आ जाता है, बहुत ही जल्दी। और फिर तब तक मेरे हस्बैंड आए, बोले क्या हो गया, क्यों रो रही है। तब उन्होंने बोला ना मैं कुछ करता हूँ, तो कुछ भी नहीं हुआ उनसे भी, और सारा कुछ चला गया, और वो वीडियो ही पूरा डिलीट हो चुका है, तो वो मुझे वापस से शूट करना पड़ेगा, उसको गराज हो जाएगा। तो पर अब साथ ही चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे ना बहुत सारे नए यूट्यूबर्स हैं जो अभी अभी यूट्यूब के साथ ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। आपके पास, अपने पास कोई बैकअप प्लान रखिएगा, अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कहीं और भी सेव करके रखिएगा, ताकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है वो आपके साथ ना हो, एंड मोमेंट पे फिर रोना ना पड़े, या तो फिर सर पे हाथ रख के बैठना ना पड़े, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, अगर आप मेरे जैसे कोई नए यूट्यूबर हो तो इसीलिए मैंने ये वीडियो फिर बनाया, सोचा कि आप सबको भी मैं मैसेज दूँ कि मेरे जैसी गलती प्लीज़ मत करिए। कहीं ना कहीं अपने वीडियोस को एक्स्ट्रा बैकअप के लिए सेव करके ज़रूर रखिए, हो सकता है कभी भी काम आ जाए वो वीडियोस और फ़ोटोज़। और इसके बीच में एक अच्छी चीज़ भी ये हुई कि मतलब मैं रो रही थी और ना तब तक बच्चे आ गए, बोले क्यों रो रहे हो आप, तो उतनी देर में लड्डू फिर पानी का गिलास भर के लाया, बर्फ़ी पास में बैठा, रो मत, हो जाता है। तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उनको भी सब चीज़ें समझ में आती है। और ऐसा होता है ना कि हम माँ बाप तो बच्चों को प्रेम दिखा देते हैं करके भी, वो लोग बहुत कम दिखाते हैं, मतलब वो अपनी मस्ती में ही हमेशा रहते हैं। पर आज मैंने देखा कि वो लोग भी कितना कंसर्न रखते हैं, जब ज़रूरत, मतलब ज़रूरत तो क्या, मतलब जब ऐसा होता है ना कि सीरियसली कोई अपने पास आए बैठे, तब जब आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आप लोगों को ये वीडियो कुछ काम आएगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा नए यूट्यूबर्स के लिए भी है, मैंने थंबनेल में भी डाला है। तो प्लीज़ आप लोग भी कुछ ऐसी गलती मत करना, और वीडियोस और जो फ़ोटोज़ है उसको प्लीज़ कहीं और भी सेव करके रखिए। और मैं भी आज से कोशिश करूँगी कि मैं भी ऐसा ही करूँ, फिर से ऐसी गलती ना हो मेरे से। और
बस यही बात करनी थी मुझे आप लोगों से, तो फिर मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। होप आज वाला वीडियो जो मैं डालने वाली थी वो मैं कल अपलोड कर पाऊँ, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ वो मैं अपलोड तो करूँगी, वो मैंने बहुत दिल से बनाया था, मैं फिर से उसको शूट करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिए।